पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। एफएमएसएस सब्जेक्ट में फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूनिट से आज के इस लेक्चर में हम कैपिटेशन, एयर बाइंडिंग और प्राइमिंग ऑफ पंप के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में ये तीनों ही क्या हैं, पंप्स की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पंप्स में होने वाली प्रॉब्लम्स। तो पहले हम कैपिटेशन को समझते हैं। एक्चुअल में कैपिटेशन का क्या मतलब होता है, इसका एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि हमारे दांतों में क्या होता है कि जैसे कुछ उल्टा सीधा या जंक फूड खाने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, तो ऊपर क्या होता है, कुछ समय बाद दांतों के अंदर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैविटीज। ठीक है, और ये कैविटीज बढ़ती रहती हैं, उसके बाद दांत आपके टीथ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही दिक्कत होती है पंप में, सेम प्रॉब्लम है, सेम मतलब है इसका। वहां भी, वहां पर कैसे होती है और उसकी डेफिनेशन के अनुसार हम इसको समझते हैं। एक्चुअल में पंप्स में कैविटेशन का मतलब होता है पंप में वेपर बबल्स के कलेप्स, मतलब फूटने के कारण बनी कैविटीज, मतलब गड्ढे बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। ठीक है, यहां भी क्या है, कैविटीज हैं, गड्ढे हैं, और ये गड्ढे लगातार बढ़ने से क्या होता है कि पंप आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये पता लग गया हमें कि कैविटेशन का क्या मतलब है। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये कैविटीज बनती कैसे। तो इसके लिए मैं एक पंप का उदाहरण लेता हूं। जैसे कि ये मेरे पास पंप है, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल मोशन होता है जो लिक्विड को पंप करता रहता है, सक्शन प्रेशर बनाता है, उसके बाद उसको डिस्चार्ज एंड पर फेंकता रहता है। तो ऐसे ही इस पंप में देखिए आप, ये फ्लूइड का सोर्स है जहां से पंप को फ्लूइड सक करके डिस्चार्ज एंड पे डालना है। ये डिस्चार्ज एंड है और इसके अंदर ये क्या है, इम्पेलर है। ठीक, अब यहां पर क्या है कि जो इम्पेलर की आई रहती है, आई मतलब पाइवट पॉइंट जहां पर ये इम्पेलर बना रहता है, वहां से एक लाइन बनाई जिसको सक्शन लाइन बोलते हैं, और सक्शन लाइन पर जो प्रेशर है वो P2 है, वेलोसिटी V2 है, और जो सोर्स एंड है वहां पर प्रेशर P1 और वेलोसिटी V1। तो फ्लूड पंप होने की जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन फॉर फ्लो या फिर पंप। इसकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो ये होती है कि पंप का सक्शन प्रेशर फ्लूइड के वेपर प्रेशर
अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई किसकी, कोई भी पंप फ्लूड को तभी पंप कर पाएगा जब उसका सक्शन प्रेशर फ्लूड के वेपर प्रेशर से अधिक हो। ठीक है, अच्छा वेपर प्रेशर क्या होता है, इसमें टर्म आया है वेपर प्रेशर। एक्चुअल में ये जो वेपर प्रेशर है ये क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर। इसको दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो ये है कि जैसे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई फ्लूड भरा हुआ है, माना कोई लिक्विड है, वाटर है, और इसको मैं बॉटम से हीट दे रहा हूं, तो ये हीटअप होता रहेगा। ठीक है, और हीटअप होने के बाद में इसकी वेपर्स इस सरफेस पे आना शुरू करेंगी। ठीक है, तो ये वेपर दो जगह प्रेशर लगाएगी, एक तो ऊपर एक नीचे। ठीक है, और माना ये कंटेनर आपका क्लोज्ड है, तो इस एरिया में आके फ्लूड सॉरी पेपर्स आके इकट्ठी होती रहेंगी, तो क्या होगा, बहुत सारी पेपर्स का प्रेशर कलेक्टिवली इकट्ठा होकर क्या करेगा, इस सरफेस पर प्रेशर लगाएगा जो कि फ्लूड का सरफेस है। ठीक है, तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बात तो होगी वेपर प्रेशर की। अब ये वेपर प्रेशर यहां कैसे काम करता है पंप में, अब देखिए हमने नॉर्मल कंडीशन जान ली कि पंप से फ्लूड कब पंप होगा। ठीक है, उसकी कंडीशन ये थी कि सक्शन प्रेशर फ्लूड के वेपर प्रेशर से अधिक होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो सोर्स एंड है, फ्लूड सोर्स एंड है, इस एंड पर फ्लूड या लिक्विड स्टोर है। अब ये कौन सी कंडीशन पर हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर हो गया। ठीक, और एक प्रेशर कहाँ है, पंप के अंदर है, जिसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। ठीक, तो जब ये इंपेलर रन होगा तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर क्या करेगा, इस फ्लूड को, इस लिक्विड को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये तभी खींच पाएगा ये, जब ये वाला प्रेशर मतलब सक्शन प्रेशर ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब क्या है कि हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को रन करते हैं, तो माना ये जो पंप है वो भी नॉर्मल कंडीशन पर ही है। ठीक, अब उसी तापमान पर अगर ये जो फ्लूड है, लिक्विड है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब वेपर कहाँ चलेगी, वेपर ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी तो पंप के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी बनती है, वेपर ऊपर कब जाएगी, जब इस वेपर का, जो वेपर यहां बन रही है, प्रेशर ज्यादा हो जाए किससे, सक्शन प्रेशर से, तब ये वेपर अपने आप से इस पंप के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर सक्शन प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये फ्लूड को ही खींचेगा। ठीक है, और हो सकता है उसके साथ वेपर भी चली जाए। ठीक है, तो फिर अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें, केस टू में क्या है, यदि
फ्लूड का वेपर प्रेशर 100 के सक्शन प्रेशर से अधिक हो जाए। तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में वेपर्स पंप के अंदर जाकर बबल्स बनाना शुरू कर देंगी। ठीक है, ये कंडीशन वो हो गई जब फ्लूड का वेपर प्रेशर अधिक हो रहा है। तो अब मैंने क्या किया है कि इधर जो सक्शन लाइन पर प्रेशर था उसको मान लिया P2 और इसकी वेलोसिटी V2 मान ली है। यहाँ पर P1, यहाँ पर V1 माना हुआ है। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों कंडीशन को प्रेशर हेड के टर्म में प्रेशर हेड के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो क्या होना चाहिए कि सक्शन लाइन पर एब्सोल्यूट प्रेशर हेड ज्यादा होना चाहिए वेपर प्रेशर हेड से। ठीक है, ये कंडीशन हो गई फर्स्ट वाली, मतलब कंडीशन ऑफ पंप। ठीक है, जो फ्लूड को पंप करने की जो कंडीशन थी उसको हमने प्रेशर हेड्स के टर्म में चेंज किया। अब जो दूसरी वाली कंडीशन है उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि जो वेपर प्रेशर है, मतलब केस टू जो था उसके लिए क्या होगा, वेपर प्रेशर हेड इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट प्रेशर हेड। ठीक है, अभी जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड है ये दो चीजों का सम होता है, एक तो सक्शन प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड। तो इसको हमने प्रेशर हेड के टर्म में भी चेंज कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमने सक्शन लाइन पे प्रेशर माना है और जो हमने फ्लूड सोर्स पे जो प्रेशर माना है उसको हम क्या करेंगे, जो आपका वेपर प्रेशर हेड था तो उसके लिए क्या था, P1/ρg ये बनेगा। किसके लिए था, वेपर। ठीक है, और ये ग्रेटर देन किससे हो रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड से, जो कि किस चीज का योग है, सक्शन प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड। तो सक्शन प्रेशर क्या था, P2/ρg, ये तो हो गया सक्शन प्रेशर हेड प्लस। अब काइनेटिक हेड क्या होगा, V2² / 2g। ठीक,
तो हेड्स के टर्म में आ गया ये। अब देखिए ये कंडीशन कौन सी बनती है, ये कंडीशन बनती है बबल्स फॉर्मेशन, ठीक है, बबल्स फॉर्मेशन की कंडीशन बनती है। और बबल्स कैसे बनती हैं, जब वेपर फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो यही ओवरऑल कंडीशन जो है वो हमें लेके जाती है कहां पर, कैविटेशन की तरफ। ठीक है, तो कैविटेशन कब होगा, जब वेपर प्रेशर हेड पंप के एब्सोल्यूट प्रेशर हेड से ज्यादा होगा, ठीक है। तभी वहां पर क्या होगा, वेपर क्रिएट होंगी और वो वेपर पंप्स के अंदर जाकर कलेक्ट हो के बड़े बड़े बबल्स बना देंगी, और वो बबल्स क्या होंगे, अंदर जाके टूटेंगे, कलेप्स हो जाएंगे। अब वो कलेप्स हो जाएंगे तो क्या होगा, पंप की केसिंग में या इम्पेलर पे जाके एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और फिर कैविटीज और गड्ढे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि सक्शन प्रेशर लाइन पर उपस्थित एब्सोल्यूट प्रेशर हेड वेपर प्रेशर हेड से कम हो जाए, तो पंप्स में वेपर्स इकट्ठा होकर बड़े बबल्स बनाना शुरू कर देती हैं, और यह बबल्स कलेप्स होकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तथा पंप केसिंग एंड इंपेलर पर गड्ढे मतलब कैविटीज बन जाती हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को कैविटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। एक बार फिगर से और रिमाइंड कर लेते हैं इसको। क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ किससे, सक्शन प्रेशर से, तो वेपर उठी और पंप के अंदर गई, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि इन वेपर्स ने अंदर जाके
बबल्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये पंप में बबल्स आ गई। बबल्स आ गई, ठीक है। तो जब ये बबल्स क्या होंगी, कलेप्स होंगी, टूटेंगी, ठीक, तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। फिर ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है ऐसी ही, तो फिर क्या होता है, पंप्स की केसिंग में, मतलब जो अंदर इसकी आंतरिक बाउंड्री है उसमें गड्ढे बनेंगे, इसके अंदर का रफ सरफेस और ज़्यादा रफ होता चला जाएगा और ज़्यादा गड्ढे बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही इम्पेलर के साथ भी होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गई है आपकी पंप के अंदर ही अंदर कैविटीज, गड्ढे, ठीक है। इस ओवरऑल प्रक्रिया का नुकसान क्या है कि पंप हमारा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। पंप की लाइफ घट जाती है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सक्शन प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, फ्लूड के वेपर प्रेशर से, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तब आप पंप के अंदर होने वाली कैविटेशन प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। तो आई थिंक ये कैविटेशन का फंडा आपको क्लियर है। अब हम आते हैं एयर बाइंडिंग पर। एयर बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, देखिए पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लिक्विड से कम होती है। एयर डेंसिटी इज लेस देन लिक्विड डेंसिटी, ये होती है। तो अब एयर में एयर जो है इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाती है कि वो किसी भी लिक्विड को अपने साथ खींचने की क्षमता रख पाए, ठीक है। यही कंसेप्ट एयर बाइंडिंग में काम करता है, कहाँ, पंप में। इसको भी देखिए एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पंप है, अब इस पंप में सक्शन एंड से डिस्चार्ज एंड तक क्या भरी हुई है, एयर, एयर भरी हुई है। तो इस कंडीशन में आप चाहो कि ये पंप फ्लूइड को पंप करना शुरू कर दे तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, ठीक है। तो इसको सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि पंप में सक्शन एंड से लेकर डिस्चार्ज एंड तक एयर आ जाए या एयर भर जाए तो उसको एयर बाइंडिंग कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसको। यदि पंप में
सक्शन लाइन से डिस्चार्ज एंड तक हवा मतलब एयर भर जाए तो इसे एयर बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो एयर भरी हुई है ये दो कंडीशन में होंगी। एक तो ये जब पंप आपका बंद हो, जब पंप बंद हो ठीक है तब इसमें एयर होती है। दूसरी कंडीशन तब होती है जब चलते चलते लिक्विड की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए मतलब टूट जाए। ठीक है, दो कंडीशन थी। एक पे तो कहती कि पंप जब बंद है तो उसमें तो एयर होगी, लिक्विड होगा ही नहीं। दूसरा ये कि पंप चल भी रहा है लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि सोर्स एंड से फ्लूड की कंटिन्यूटी टूट जाए मतलब फ्लूड आना बंद हो जाए तो अब क्या आ जाएगी, इसमें एयर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एयर बाइंडिंग। अच्छा, अब फ्लूड की कंटिन्यूटी लगातार करने के लिए मतलब इसका जो पंपिंग है पंप की वो लगातार रहे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एयर निकालनी पड़ेगी, एयर बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी क्या होगा कि जो फ्लो है आपका वो कंटिन्यूस होगा मतलब सक्शन एंड से डिस्चार्ज एंड तक फ्लूड जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो एयर निकालने की प्रक्रिया है इसको एक और टर्म से बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको कहते हैं प्राइमिंग ऑफ पंप। क्या कहते हैं, प्राइमिंग ऑफ पंप। इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू रिमूव एयर फ्रॉम पंप, टू रिमूव एयर फ्रॉम पंप। ये क्या हो गई, इसकी बिल्कुल इसका बेसिक कंसेप्ट है लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज और होती है जो समझने की होती है। जैसे कि ये एयर निकलेगी कैसे, ये एयर निकलेगी कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फ्लूड जो लिक्विड पंप किया जा रहा है हो तो सेम लिक्विड पंप में भर दिया जाए। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, डिस्चार्ज एंड से लेकर सक्शन एंड तक। ठीक है, अब सेम मैंने क्यों बोला, क्योंकि फिर डेंसिटी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ही फ्लूड मतलब जो पंप के अंदर की एयर है
पंप के अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी और पंपिंग कंटिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस प्राइमिंग को आपने समझ तो लिया, लेकिन आप लोगों ने ये अपने घरों में किया भी है। और कैसे किया है, देखिए सबके घरों में हैंड पंप्स होते हैं। ये रहा आपका हैंड पंप, ठीक है। अब क्या होगा, कंटिन्यूसली जब नल यूज में नहीं आ रहा है और नीचे कहीं भी लीकेज है तो क्या होता है, सोर्स एंड से लिक्विड की कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, सोर्स एंड है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है नीचे और उसी पानी को ये पंप क्या कर रहा है, नल क्या कर रहा है, ऊपर तक खींच खींच के निकाल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब जिस वक्त इसमें पानी नहीं है तो क्या है, आप हत्था चलाते रहिए इसका, उससे क्या होगा, एयर ही निकलती रहेगी उसमें से, एयर निकल जाएगी फिर चली जाएगी, निकल जाएगी फिर चली जाएगी, लेकिन पंप से कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बाहर से पानी डाल देंगे। ठीक है, पानी डाल देंगे तो क्या होगा, ये पानी कहां तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल सक्शन एंड तक। ठीक है, अब इस हैंड पंप के अंदर और सक्शन एंड और सोर्स एंड वहां तक सेम फ्लूड है, पानी है। ठीक है, हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो उपस्थित एयर थी वो बाहर निकल गई। ठीक है, फिर आप जैसे ही पंपिंग करेंगे हत्ते से, ठीक, तो फिर आपकी फ्लूड की मतलब पानी की कंटिन्यूटी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो नल में बाहर से डाले गए पानी जो कि नल के अंदर उपस्थित एयर को बाहर निकालकर फ्लूड की कंटिन्यूटी को चालू कर देता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, प्राइमिंग ऑफ पंप। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज में भी होती है, घर में भी होती है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए आप कि पंप में, पंप के अंदर उपस्थित बाइंडेड एयर को बाहर निकालने के लिए जो फ्लूड डाला जाता है, ठीक है, और अंदर की प्रेजेंट एयर बाहर निकल जाती है और फ्लूड की कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्राइमिंग ऑफ पंप। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है, समझने की कोशिश करें, इजी है इसकी थ्योरी, ये रही, नोट्स बना लें, लिख लें। ये एयर बाइंडिंग है, ये प्राइमिंग है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए
धन्यवाद।